जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 77वां अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा पद। वचन कहता है, संकट के दिन मैंने प्रभु की खोज की, रात भर मेरे हाथ फैले रहे, वे थके नहीं, मेरे प्राण को चैन ना मिला। जब मैं परमेश्वर का स्मरण करता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ, आहें भरते भरते मेरी आत्मा मूर्छित हो जाती है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी शिक्षा अद्भुत है। दोस्तों, वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें बताता है कि संकट के दिन ही हमें परमेश्वर को याद नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है धन्यवाद की आत्मा के साथ। हमें धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के जीवन को बिताना है। हमें धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की अभिलाषा को पूरा करना है। हमें धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, क्योंकि वो कहता है, मैंने तुझे अद्भुत आशीषों से भरा है। और उसकी आशीषें क्या हैं? उसकी आशीषें हैं, उसने हमारी आत्मा को जिंदा किया है, उसने अपना अद्भुत आशीषित मन हमें दिया है। यीशु का मन हमारे अंदर है, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाला है उसने, अपनी आत्मा को हमारे अंदर उड़ेला है। हम अद्भुत धनी पुरुष हैं, हम अद्भुत आशीषित हैं, उसने अपनी धार्मिकता हमें दी है, इसलिए हम अद्भुत उसकी आशीषों से, उसकी प्रतिज्ञाओं से, उसके प्रॉमिसेस से, उसके वचनों से भरे हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब हम सांस लेते हैं, जब हम उसका ध्यान करते हैं, तो धन्यवाद की आत्मा हमारे अंदर से निकले और उसको धन्यवाद करें। चाहे कोई भी परिस्थिति हो मेरे भाई, क्या कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें धन्यवाद की आत्मा के साथ उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कहता है कि संकट के दिन मैंने उसे पुकारा, यानी कि और वो बेचैन हुआ, रात भर उसके प्राण बेचैन रहे। क्यों बेचैन रहे? क्या परमेश्वर को याद करने के बाद हमारे अंदर बेचैनी आती है? नहीं, परमेश्वर को याद करने के बाद हमारे अंदर शांति आती है, परमेश्वर को याद करने के बाद हमारे जीवन में सुरक्षा आती है, परमेश्वर को याद करने के बाद हमें सुख मिलता है। लेकिन यहाँ भजनकार कहता है कि मैं बेचैन हुआ। क्यों बेचैन हुआ मेरे भाई? क्योंकि तू सिर्फ संकट के दिन ही उसको याद करता है। जब परमेश्वर का आशीष तुझे मिला, जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तेरे जीवन में काम हुई, जब परमेश्वर की योजनाएं तेरे जीवन में काम हुई, तो तूने धन्यवाद नहीं दिया, तो आज तू बेचैन है, इसलिए तू बेचैन है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए रचा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, याकूब की पत्री अगर हम 1:14 कहेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खिंचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको परीक्षा में नहीं डालता है, परमेश्वर आपको संकट में नहीं लाता है। संकट में कौन लाता है? आप। भजन संहिता 120 का 1-2 कहता है कि संकट के दिन मैंने उसे पुकारा, उसने सुन ली, लेकिन मेरी जो जीव है, मेरे जो छली होंठ है, मैं उनसे दुखी हूं, उनकी वजह से संकट आया मेरे जीवन में। आपकी जो छली जीव है, आपके जो होंठ है, आप जो झूठ बोलते हैं, आप जो तरह तरह के अपने सुख के लिए बुनियाद, अपने सुख के लिए जो बुनते हैं, नहीं मेरे भाई मेरी बहन, आपका दुख का कारण वही है। और परमेश्वर उस दुख को दूर क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस दुख को उपजा आपने है। परमेश्वर आपके जीवन में दुख नहीं लाता है। परमेश्वर ने आपको धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि आप दुख भोगें। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप दुख भोगें। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको इसलिए नया नहीं किया ताकि आप दुख भोगें। परमेश्वर चाहता है कि उसकी उपस्थिति का सुख, उसके वचनों का सुख, उसका सामर्थ्य का सुख आप हर पल भोगते रहें। लेकिन वो कब भोगेंगे आप? जब आपके अंदर धन्यवाद की आत्मा होगी। जब तक आपके अंदर धन्यवाद की आत्मा नहीं होगी, क्यों धन्यवाद देंगे? क्योंकि जो कुछ उसने दिया है वो परमेश्वर है। आपके पास जो कुछ भी है किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए 1 कुरिन्थियन 6:19 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अपने नहीं हो। सुना आपने? आप अपने नहीं है। हमें अपना जीवन अपने लिए नहीं बताना है, हमें अपना जीवन रिश्तों को खुश करने के लिए नहीं बिताना है। हम जमीनी रिश्तों को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जमीनी रिश्तों को खुश करने के लिए नई सृष्टि में नहीं आए हैं। हमें नई सृष्टि मिली है परमेश्वर को सुख देने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए है। शैतान तो यही चाहेगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और अपने जमीनी रिश्तों को खुश करें। यही तो
यही तो शैतान की चाल है कि आप अपने जमीनी रिश्तों को, आप अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बच्चे को खुश करने में ही अपने जीवन को बिताएं, यही शैतान चाहता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 6:19 कि तुम्हें इसलिए मंदिर बनाया है, तुम्हें इसलिए चुना है, तुम्हें इसलिए अपना बनाया है कि तुम अपने नहीं रहो, तुम मेरे लिए काम करो, तुम अपना जीवन मेरे लिए बिताओ। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर का है। तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना है। इसलिए अगर हमें परमेश्वर के लिए जीना है तो हमें धन्यवाद की आत्मा को लेकर चलना है। अगर हमें परमेश्वर के लिए जीना है तो हमें जमीनी रिश्तों को इतना महत्व नहीं देना है, परमेश्वर के रिश्ते को हमें महत्व देना है। परमेश्वर के रिश्ते के लिए हमें अपने जीवन को बिताना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन, यही सच्ची आराधना है, यही आत्मिक आराधना है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। यही आत्मिक आराधना है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए अपने जीवन को बिताएं। विश्वास करिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपके लिए है। हालेलुया, विश्वास करिए। लेकिन हम परमेश्वर के लिए हैं, हमें यह बताना है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये हमें बताना है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 77 का तीसरा जो है वचन वो ये है कि जब मैं परमेश्वर को स्मरण करता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ, आहें भरते भरते मेरी आत्मा मूर्छित हो जाती है। क्यों मूर्छित हो जाती है? क्योंकि आपने धन्यवाद की आत्मा, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। क्यों आपके जीवन में अटैक आ रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर कहता है तू मेरे पास आ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लोभ रहित होकर अपना स्वार्थ अपने जीवन से निकालिए। हमारा जीवन परमेश्वर का, ये समझ लीजिए। हमें परमेश्वर ने चुना है अपने लिए, आपके लिए नहीं। हमें परमेश्वर ने चुना है ताकि हम उसका राज्य बढ़ाएं, अपना राज्य नहीं। इसलिए विश्वास करिए और ध्यान दीजिए, हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताना है। और परमेश्वर के हम ऋणी हैं, परमेश्वर के हम खरीदे गए हैं। यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे जा चुके हैं। हम अपने नहीं हैं। हम अपने सुख के लिए अपने जीवन को नहीं बिताना। हमारा सुख तो सिंहासन के पास है, हमारा सुख तो स्वर्ग में रखा हुआ है, जहां प्रतिफल हमें निश्चित मिलेगा और हम हजारों साल के लिए सिंहासन पर बैठेंगे और राज्य करेंगे। वही हमारा सुख है, वही हमारा साहस है, वही हमारी आशा है और वही परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र सामर्थी नाम के चरणों में हम आते हैं और इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद, हमें ऐसी आत्मा दीजिए जो हम धन्यवाद दें। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी मनस्थिति हो, चाहे कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन हम धन्यवाद देना ना भूलें। हम परमेश्वर तेरे उपस्थिति का, तेरे चरणों में तेरे वचनों का हम आशीष पाते रहें। और वो कब पाएंगे? जब हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।